अभी तक 10 एमपी गए हैं 96 को छोड़कर 75 के बाद लोकसभा नॉर्थ कश्मीर से, 10 में से 9 एनसी के गए। तो हम देख रहे थे कि ऐसी क्या बात, एक बेग साहब गए हैं 2014 में, हमने देखा कि वन ऑफ द मेन रीजन दैट एनसी इज एबल टू रीच देयर इज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इनका जो वोट शेयर फ्रॉम अ हाई ऑफ 60-65% जब ये हमारे साथ लड़ते तब हम दूसरे नंबर पर आते थे, 82 की बात है जब मेरे फादर ने पॉलिटिक्स की, तो 29%, बट दे स्टिल विन। आई विल गिव यू एन इंडिकेशन, इन 2019 455,000 वोट पड़ा, 133,000 यानी कि 29% एनसी ने दिया, 322,000 वोट इनके खिलाफ पड़ा है विच इज 71%, येट दे वेंट देयर फॉर एवरी वन वोट पोल्ड फॉर देम 2.5 वोट्स वर पोल्ड अगेंस्ट येट बाय, बट दैट्स व्हाट इलेक्शन इज। सो द रीजन आई केम हियर इज दैट आई हैव हैड सम कंफैबिलिटी इज दैट आई एम कमिंग हियर to appeal to my very dear friend Mr. Altaf Bukhari that let us stop the division of votes in North Kashmir. I am through this press conference appealing to his good self that maybe it's time that they support us in North Kashmir. And as I have said earlier on ki hum unconditionally support karenge baki jagahon par bilkhusus Srinagar mein wo party jo hame lage ki challenge de sakti hai aur wahan hame lagta hai कि वो चैलेंज दे सकते हैं, लेकिन वो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट दैट वी इंटेंड टू सपोर्ट देम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन दे टेक, बट वी वुड मेक दिस अपील टू देम कि डिवीजन ऑफ वोट्स ना करें, लेट एंटी एनसी वोट्स टुगेदर वो इकट्ठे आ जाएं, और जो मैंडेट ऑफ पीपल विच इज़ टू सेंड अ रिप्लेसमेंट वो ड्रीम जो है पूरा हो। तो दैट वॉज द होल आइडिया। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई पूछना है, because I want the press conference today at least, I'm holding one more after some time, but aaj ki press conference is basically meant to seek support, appeal to Mr. Altaf Bukhari ki wo jo apni party hai wo